अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। सीपीआई पार्टी की जानिब से आज लंगर हाउस एमआरओ ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया, जिसमें ईटी नरसिम्हा और शेख शमशुद्दीन अहमद की सदारत में ये एहतजाज को पूरा किया। इनका मुतालबा है कि इनको डबल बेडरूम दिया जाए हुकूमत की जानिब से, जो वादे किए थे। गरीब लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको रहने के लिए कोई सहूलत नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द डबल बेडरूम के मकान इनको बना के दें, वरना इनके एहतजाज में इजाफा होगा। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। एमएलए साहब, एमपी साहब, आज आपकी धीरज को तगादा होना चाहिए। आपकी माँ बहने जिसको आप बोलते, मिल्लत की बेटियाँ जिसको बोलते, आज आपकी मिल्लत के बेटियाँ जो है यहाँ पर ठहरी नहीं है, फुटपाथ पे है। इनके पास किराया देने के लिए नहीं है 5,000, 10,000, 20,000, फिर और आप एसी के रूम में बैठे हुए हैं। अरे तुम्हारी धीरज क्या दावा दे रही है, तुम देना चाहिए था। तुम आराम की नींद कैसा सोते एमएलए साहब, एमपी साहब? तुम्हारा काम है ये माँ बहनों को आके इनका दख दूर पूछना चाहिए। तुम केसीआर के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। साथ एमएलए है तुम्हारे पास, एमपी है, बयालीस कारपोरेटर है, इसके बावजूद ये हमारी माँ बहने रोड पे है। तो आज हम, मैं शेख शमशुद्दीन अहमद, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी का सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सेक्रेटरी हूँ, इंचार्ज हूँ। आज हम यहाँ अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ हम यहाँ पर आए, एमआरओ साहब के जरिए से हुकूमत को जगाने के लिए और हमारे एरिया के एमएलए एमपी को जगाने के लिए, कि ये पाँच साल रनिंग में आ गए हैं। अभी तक कोई भी डबल बेडरूम का कोई तस्करा नहीं हुआ, किसी को नहीं मिल रहा। जान देखो, मैं इनाग्रेशन कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो अभी हुकूमत जाने का टाइम आ चुका है। तो गरीब आवाम ये चाहती है कि केसीआर साहब दो कमरों का घर नहीं भी दे सकते हैं, तो कम से कम आप जो है उनको जो है पट्टे वगैरह तो जारी करें, कहीं ज़मीन आ जाएँ 100-100 गज के पट्टे जारी करें। आप गरीबों का मुद्दा है, ना घर दे रहे हैं, ना ज़मीन दे रहे हैं, ना पट्टे दे रहे हैं, खाली बेवकूफ़ बना के रख रहे हैं। और हमारे एरिया के एमएलए कौसर मोहिद्दीन साहब, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अली साहब, उनका बराबर साथ दे रहे हैं। तो ये तीनों चारों मिल गए पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज पब्लिक बेभैरी होके, बेबर्दाश्त होकर आज रोड पर निकल के आई। आज ये हुकूमत को होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एहतजाज बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होने वाला है। और आने वाले महीने की 10 तारीख को अगर केसीआर साहब कोई अगर सही अगर उसका जो एक्शन लेके जवाब नहीं देंगे, हमारे एरिया के एमएलए एमपी साहब मजलिस वाले अगर उसको जो है सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम आने वाले महीने की 10 तारीख को पार्टी की तरफ से केसीआर साहब के घर पे हम जाके धरना देंगे और उनके घर में घुस के बैठने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक फैमिली को रहने के लिए 100 करोड़ का घर होना, और हमारे एमएलए साहब 3 लाख रुपये तनख्वाह लेते गरीब, एमपी साहब लेते 3-4-5 लाख रुपये तनख्वाह, नौकर आलीशान मकानों में है, जो तनख्वाह देने वाले मालिक है गरीब आवाम, वो बेचारे फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, किराए के घरों में पड़े हुए हैं। ये कैसा ज़माना आ गया? और फिर हमारे एमपी साहब, जानते को मैं अल्लाह रसूल दीन का वास्ता दे के बात करते, तो भाई कुरान और हदीस में है, आप जहाँ पर आपके इलाके में जो मिस्किन है उसके बराबर आप रहना चाहिए। खलीफा आलीशान बंगले में है एसी में, और उसके जो है लोग जो है रहने वाले जो एरिया के लोग मिस्किन, किराया देने को नहीं है उनके पास, तो आपको नींद कैसा आ रही है असदुद्दीन अली साहब? ये कौन से इस्लाम पे चल रहे हैं आप? ये सोचने की बात है। तो आप या तो अपना रवैया सीधा करो, अगर इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक कार्रवाई पूरी करो। आप नहीं बोलते तो टोपी शेरवानी उतार दो, जितनी झूठ बोलना है बोलो, आप दीन को बदनाम नको करो। हमारा मुद्दा ये चाहिए, नहीं तो काम सही करो, क्योंकि नाम का मुसलमान नहीं होना है हमारे को। शमशुद्दीन अहमद बोल ले रहा हूँ भाई मेरे वास्ते, आप अपने लिए अकबर अवैसी बोल ले रहे हैं, आप अपने लिए असद अवैसी बोल ले रहे हैं, ये नाम के मुसलमान बनने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। काम के मुसलमान बनो, अमली मुसलमान बनो, सरकार के हकीकी उम्मती बनने की कोशिश करना है हमारे को। सरकार का नाम लेके उनकी उम्मत को लूटने का काम नहीं करना है, जो आप लोग कर रहे हैं। आपको 4 बैंकों का परमिशन मिला, पहले 3 थे अब 7 हो गए, बताए आप आवाम को कौन दिए? आपको नरेंद्र मोदी साहब दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट दी, कहीं को आप गालियां दे रहे हैं बोल के? तो ये राष्ट्र के बातें हैं। और कौन से लोगों को बगैर सूद का कर्जा दिए दारुसलाम बैंक से? आपकी मिल्लत के बेटे बेटियाँ जो है रोड पर आ गए आज, तो आपको होश में जगाने के लिए आए, तो आप लोग होश में आइए। एमएलए साहब, एमपी साहब, हमारे कौसर मोहिद्दीन साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब फ्लो लीडर, और जो है हमारे केसीआर साहब, ये आप सब लोग होश में आके ये गरीब आवाम की आवाज़ को सुनिए और इमीडिएट उनके जो है जवाब का, उनके सवाल का जवाब देते हुए उनको घर अलाट करें, या कम से कम इमीडिएटली पट्टे अलाट करने का कोशिश करें। जिसको घर होना घर दीजिए, जिसको पट्टे होना पट्टे दे दीजिए ज़मीनों के। एयरपोर्ट की 2,000 गज ज़मीन दिए ना भाई असद साहब आप, फिर वो 2,000 एकड़ ज़मीन के बदले क्या लिए आप गवर्नमेंट से? वो गरीबों में बांटो ना, नहीं तो गवर्नमेंट की ज़मीन लेके बांटो। ये बहुत बड़ा आपको 2,000 एकड़ ज़मीन बोल तो बहुत होती गरीबों को,
तो ये भी एक मुद्दा है, उस पर भी काम करें। उम्मीद है कि मेरे को आप सब से, असदुद्दीन अवैसी साहब एमपी साहब से, अकबर अवैसी फ्लो लीडर साहब से, हमारे एरिया कारवान के जो एमएलए साहब से, केसीआर चीफ मिनिस्टर साहब से, कि आप लोग होश में आएंगे, गरीबों की आवाज़ सुनेंगे और उनकी दुआ लेने की कोशिश करेंगे, सरकार के नाम पे उनकी उम्मत का भला करेंगे, उनकी उम्मत का नुकसान नहीं करेंगे। ये उम्मीद करते हुए मैं आपसे अपनी बात खत्म कर। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।